एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आई एम रंदी यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और क्लास डर्मा की। और अभी के बज रहे हैं सुबह के 11 और क्लासेस होती थी 1 बजे, पर हमने टीचर से बोला कि हमें कुछ एग्जाम्स वगैरह का प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा क्लासेस हमारा जल्दी रख दिया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस हो जाएगी जल्दी। पर उन्होंने बुलाया कि 11:30 बजे तक आ जाना, तो फिलहाल हम निकल चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होगे, ये हमारा क्लास, यहाँ पर जो फार्मा वगैरह की बिल्डिंग लगती है, बिल्डिंग है उसी क्लासेस लगती है यहाँ पर हमारा। और यहाँ से हम थोड़े दूर पे जाएंगे, हार्डली अप्रोक्स 5 से 7 मिनट की दूरी है। 5 से 7 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपनी जो डर्मा की क्लासेस वहाँ पर। बाकी यही सब चीज़ें चल रही है, सेमेस्टर एंड होने वाली है फोर्थ ईयर का, ये लास्ट सेमेस्टर। फोर्थ ईयर का मतलब ये सेकेंड सेमेस्टर है, और सेकेंड सेमेस्टर के बाद इसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद हमारा पड़ेगा छुट्टियाँ। तो यही सब चीज़ें चलेगी अभी फ़िलहाल। बाकी आई होप कि मैं क्लियर आ रहा हूँ। और ये साइकिल के बाद, कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर का जो लास्ट साइकिल हमारा चल रहा है ये है डर्मा, और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जो फोर्थ ईयर का लास्ट सेमेस्टर रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, और अभी के टाइम ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अभी समर आ जाता है तो थोड़ा सा धूप वगैरह रहता है, शर्ट वगैरह में आराम से अब क्लास वगैरह जा सकते हो चिल मारते हुए, ये सब चीज़ें होती है। बाकी जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक फोर्थ ईयर का कंप्लीट, क्लिनिक वगैरह में क्लासेस वगैरह लगी थी और जाते थे क्लासेस वगैरह करने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट से इंट्रैक्शन वगैरह होता था, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता था। पर ओवरऑल बोले कि फोर्थ ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था, तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ साथ प्रैक्टिकल देखने को मिलता है तो काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट में आती है कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है, और वो सब चीज़ें होती है। तो एमबीबीएस पूरा लाइफ ना ऐसा ही है कि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ी सी पढ़ाई और बहुत सारा हेडेक, ठीक है। ये ओपन मार्केट फूल बिक रहा है, किसी को प्रपोज करना है तो कर सकते हो। ये मिल रहा है मच्छी बंगाल के लिए, और यहाँ पर मिल रहे हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ये वो, और यहाँ पर लोग जा रहे हैं बीच से बिल्कुल। और ये थोड़ा क्लोज मार्केट ओपन मार्केट टाइप से, यहाँ पर ड्राई फ्रूट ये वो एप्पल वगैरह जो मिल रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो बस थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं अभी। और ये मछली टांग रखे हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, यहाँ मिल रही हरी सब्जियाँ तो सब है। कह रहे चाचा ठीक है भाई, हमारा सामान भी खरीद लो, खरीद लेंगे। तो ये है पूरा ओपन मार्केट बिल्कुल मेट्रो के पास में, गगरीना स्ट्रीट के पास, और यहीं से लगी हमारी क्लास। कई बार ऐसा होता है क्लासेस लगती है तो हम लेके जाते हैं अपने सामान, सब्जी वगैरह हो गया कुछ भी हो गया लेके जा सकते हैं। तो भाई मुझे ना भागना है थोड़ा तेज, ठीक है, क्योंकि मेरी है क्लासेस और मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, सीरियसली मतलब मेरे को भागना है तेज़ी से। क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, और स्टार्ट तो नहीं पर टीचर नहीं आए, पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। मैं जब पहुँचूँगा तो क्लास स्टार्ट होने वाली होगी या हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, लोकल मार्केट दिखा दिया था आपको, ऐसी है बिल्कुल स्ट्रीट के पास में ही, और सब चीज़ें मिल जाती है आसानी से। तो बहुत सवाल जवाब करते भैया, ये नहीं वो नहीं, भैया क्या होगा नहीं होगा, निश्चित रहो हम सब जी गए तो तुम भी जी जाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट से तो आते हो तुम तो, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट होता है तो पूछ लिया करो, कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो। और बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए टेंशन, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, और यही सब चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल तो मेरा आज का प्लान यही है कि मैं अभी क्लास करूँगा, क्या बोलते हैं इसकी डर्मा क्लास करने के बाद मेरा उसकी क्रेडिट लेनी थी रशियन की, उसका सोच रहा हूँ कि रशियन की क्रेडिट लेने जाएंगे। रशियन क्रेडिट लेने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना खाएंगे, खाना पीना खाने के बाद बस फटाक से जाऊँगा घर जाके थोड़ा बहुत कुछ कुकिंग वगैरह करूँगा। अगर बनाने का मूड क्या तो ठीक है, बना रूममेट का है, दोस्त वगैरह बना के रखते हैं, उसके सिस्टम कर देते हैं, खा लेते हैं जाके, फिर जब हम बनाते हैं तो भी निपटा देते हैं। तो ऐसे चलता है हॉस्टल लाइफ में। तो बाकी उसके शाम का प्लान ये है कि शाम को जाएंगे वर्तिलोत का, ऐसा सनसेट वगैरह सीन है, सनसेट वगैरह काफ़ी अच्छा से दिखता है। मेरे दोस्त लोग जो थे 3-4 बार जा चुके हैं, पर मैं नहीं गया एक बार भी, क्यों, क्योंकि शैतान है बताते नहीं हैं। तो फिर यही है, बाकी आज बोले कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे, ठीक है भाई उठा के ले जाएंगे तो चले जाएंगे। और शाम का प्लान है, शाम के टाइम में सनसेट यहाँ पर 8 बजे के आसपास होती है, इंडिया में तो 5:30-6 बजे हो जाती है, समर के टाइम में 7 बजे होती होगी ना, हाँ। तो ये कि यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा डीले है, मतलब
आठ बजे साढ़े आठ बजे तक होती है, बट एनी वेज वहाँ से बस मिल जाता है साढ़े नौ बजे दस बजे के आसपास, साढ़े दस पौने ग्यारह बजे के आसपास बस मिलती है, लास्ट बस होती है, उसमें हम बस में आ जाएंगे और बाकी यही सब चीज़ें हैं। सो वीडियो को देखते रहो, इन्जॉय करो, और भी कुछ बात करना होगा तो बात करेंगे ना यार, बातों की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। बाकी ये देखो चर्च बिल्कुल पास में एकदम क्लासेस के पास, और ये हो गए बच्चों के छुट्टियाँ जो कि जा रहे हैं मोबाइल चलाते हुए। आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं भाई कि स्कूल से हुए छुट्टियाँ, हमारे टाइम में तो ऐसा था मोबाइल वगैरह मिलता नहीं था, ये कचपच कचपच पर ऑटो में करते आते थे, पर ये हो गया आज के टाइम में मोबाइल मिल गया है मस्त एकदम से, हाँ बपूजी चल रहा है, भैया ये चल रहा है, भैया वो गेम चल रहा है, वो वेबसाइट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो भाई इन लोग का टाइम बहुत सही है। हमारे टाइम में ये होता था, हाँ भाई आजकल क्रिकेट खेलेंगे, कल वो जाएंगे, कल वो हुआ था, टीचर ने ये बोला था, पीटी सर ने ये बोला था, यही सब चीज़ें चलती थी। आज के टाइम में इसके लिए लेट होना था यही प्रॉब्लम मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या होता है जब भी मैं कोई लाइट पर आऊँ तो यार लाइट हो जाता है टाइम से, जब मैं पार करने वाला हूँ तो दिख रहा हूँ कि यार टाइम हो गया, और फिर उस समय भी टाइम यही हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। और ये गाड़ियाँ आती जाती, और जहाँ पर ट्रैफिक होते हैं ना ऐसी वाली, तो फिर हम पार नहीं कर सकते क्योंकि पहले ट्रैफिक का टाइम होता है। एक मिनट बाकी अभी भाई, जल्दी नहीं जाने का वरना उड़ा ले जाएगा, हो गया। और ये भाई फुल मस्त में जा रहे हैं एकदम, और ये पहुँच गए हम अपने बिल्डिंग जहाँ पर है हमारी क्लासेस डर्मा की, और लग रहा होगा ऐसे बड़ा अजीब सा है भाई, पर यही है कि मतलब ये हॉस्पिटल प्लस क्लासेस दोनों बनाई हुई है, तो बिल्कुल प्रॉपर डिपार्टमेंट है ये, ऐसा देखने को लग रहा हो कि ये क्या है, पर यही है जो सच है तो सच है, क्योंकि ओल्ड स्टाइल यूनिवर्सिटी है ना, तो क्लासेस वगैरह ऐसी लगती है। और ये पूरा बिल्डिंग ऐसे ही है, मतलब पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है ये पूरा बिल्डिंग है आपको डर्मा के लिए क्लासेस के लिए, नीचे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इस साइड को क्लासेस लगती है, बाकी ऊपर से नीचे पेशेंट रहते हैं, ये सब सारे पेशेंट्स ही हैं जो आ रहे हैं अभी, बाकी देखते हैं। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम जाएंगे, और सिंपल सा है, यहाँ लिखा हुआ है ठीक है हॉस्पिटल नंबर टू, और ये सारे क्लासेस लगते हैं, इधर टीचर का डिपार्टमेंट वगैरह है, पर मैं पीछे वाला गेट से जाऊँगा, बाकी मैं पीछे वाला गेट से जाऊँगा, सिस्टम है अपना आगे पीछे क्लास। अरे भाई ये तो सिस्टम महंगा पड़ गया भाई, भाई ये सिस्टम तो हमें ही महंगा पड़ गया, मैं पीछे का गेट खोला पीछे का गेट ही नहीं खुल रहा, सिस्टम आज हमारा हैंग हो गया, कोई बात नहीं सिस्टम हैंग होना चाहिए, हमारा हो चाहे उनका हो, बट अब चलते हैं भाई, ऐसे नहीं देख के हंसने का, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके चलो हो गया दरवाज़ा ऑफ, बस दरवाज़ा आवाज़ मत करना, क्लास के लिए लेट्स गो, हम जाएंगे लास्ट कमरे में एकदम बिल्कुल, ये अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर से तो जन्नत है, बाहर थोड़ा ऐसा दिखता है, बाकी टेंशन लेने का दिक्कत नहीं, बीमारियाँ ही बीमारियाँ, बाकी ले चलो तुम्हें क्लास। तो गाइस हो गई क्लास खत्म, और बाहर निकल आए थे तो बात करते हुए, अब हम जा रहे हैं फिलहाल रशियन क्रेडिट क्लास के लिए, और मेरे साथ है लक्ष्मण, हम लोग खुद लबीब के साथ, लबीब से आए थे साथ में, और फिलहाल अभी जाएंगे रशियन क्रेडिट क्लास लेने के लिए, तो थोड़ा कुछ सोच रहे हैं खा पी लेते हैं, अगर कुछ खाने को मिल गया ढंग का तो ठीक है खा लेंगे, वरना जाएंगे रशियन क्लास क्रेडिट लेंगे वहाँ पर, मिल गया तो ठीक है, वरना शाम का कुछ अलग प्लान है। गाइस ये आ गए हम रशियन क्लास, और बाकी चलते हैं, ये बस ये वाला गेट से इंटर करेंगे, अभी सब बच्चे निकल रहे थे, और मैं ये थोड़ा कचरा को डाल दूँ इसमें किसी में, ये डाल दिया हमने कचड़े, चलो तो इसके अंदर है हमारा कार्ड, और डालेंगे ऐसे खटाक से, ये हो गया ग्रीन, ग्रीन मतलब वो। तो हौले हौले अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू करके ख़त्म की जाएगी, और भाई एक क्लास करके कंप्लीट, और दूसरे क्लास के लिए क्रेडिट के लिए आ चुके हैं, मैडम का मन हुआ तो देगी क्रेडिट, मैडम का मन नहीं हुआ तो बोलेगी बेटा वेट करो, ये दुख है ज़िंदगी का, और इसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ठीक है, बाकी ये दुख और सुख तो चलता रहता है, काम करते रहना पड़ेगा। और आ गए हम थर्ड फ्लोर पे, भाई बाहर से जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है ना उतना कोई खास नहीं दिखती, आप अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सिस्टम है एकदम, ये
एक क्लास के बाद दूसरे क्लास की स्थिति, ऐसे आ रहे हैं लोग झूमते हुए। और यहाँ पे आ गए हम रशियन क्लास, टीचर इधर है। गाइस फाइनली हो गया क्रेडिट कंप्लीट, क्रेडिट मिल गया और इसी खुशी में खा रहे हैं चॉकलेट और चलते हैं रूम पे। टाइम हो रहा है, सुबह का निकला था 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 16:55, मतलब आपको हो गया 5 के आसपास। तो ये पूरे दिन का ये शेड्यूल रहा। एनीवेज पर काम हो गया बहुत सारा चीज़ें। तो गाइस फिलहाल सनसेट देखने के लिए निकल चुके हैं फोटो से बाहर। अभी टाइम हो रहा है 7:07 और भाई वो आंटी चिल्ला रही पीछे से, उसे किसी ने सामान चोरी कर लिया है, वो बेच रही थी स्ट्रॉबेरी, उसका कोई उठा ले गया। अब देखते हैं ओके। पर वो है सामने, वहाँ से हम उठाएंगे आइसक्रीम, दिख रहा है, मैं दिखाऊँ थोड़ा जूम करके, ये देखो बना हुआ आइसक्रीम, वहाँ से जाएंगे एक उठाएंगे आइसक्रीम और जाएंगे सनसेट व्यू पे देखेंगे। और ये है हमारे हॉस्टल के आसपास। भाई ये है मेट्रो का एंट्री जहाँ से हम लोग अंदर आ गए हैं, बाकी चल रहे हैं। भाई मैंने ईयरबड्स तो नहीं लगाए, ये नहीं देखना था। हाँ भाई चलो चलते हैं और निकालेंगे मेट्रो कार्ड इसमें से। ये है एंट्री मेट्रो गेट की, बस इसका पुश करो और आ जाओ अंदर। अब ये आ गए हम अंदर, ये यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग, ठीक है। डाल दिए हमने टू डू डू डू, चलो भाई आ गए, चले आ जाओ। ये है यहाँ का एलिवेटर मेट्रो का प्रॉपर। तो भाई ये था हमारा मेट्रो जिसमें हम आए थे, और आप देख रहे हैं कि ये खाली होने वाला है। और यहाँ पे लगी इसकी डिश जो स्टेशन का नाम वगैरह है, और बिल्कुल सिंपल सा है जैसे दिल्ली का मेट्रो वगैरह होते हैं, बस डिफरेंस ये कि अंडरग्राउंड है, वहाँ का अंडरग्राउंड नहीं होता है। बाकी हम चलते हैं, ये हो गया दरवाज़ा ओपन। किस साइड वाले चलने, इस साइड वाले को। और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग दिख रहा होगा कि यहाँ रशिया का जो भी है मेट्रो वगैरह कैसा है, एकदम अंदर का कितना खूबसूरत है, लाइटिंग वगैरह ऊपर लगा हुआ है एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से। और इस साइड वाले एरिया में आप देख रहे होंगे ये मेट्रो लगा हुआ पूरा, ये वैसे तो आपको ओल्ड स्टाइल में ट्रेन की तरह ही दिखेगा, पर ये मेट्रो ही यहाँ का बेसिकली, और सिटी के अंदर फैली हुई है पूरी। और स्पेशलाइज जगह पे जाती है सेंटर वगैरह और भी चीज़ें यहाँ पर जाते हैं। बाकी जो इंटीरियर जो इनका स्ट्रक्चर है ना, इंटीरियर स्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। देखो एक डिफेंस दिखाता हूँ यहाँ, इंडिया और रशिया के देश क्या है। यहाँ देखो निकल गए, बिल्कुल कुछ कार्ड पंच नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या होता है ना कि कार्ड पंच वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि आप जिस समय इंटर करते हो उस समय आपको कार्ड पंच करना है और टोकन वगैरह डालना है। एक बार टोकन वगैरह आपका डल गया उसके एग्जिट के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, आप सीधा सीधा निकल जाओ, कोई ऐसा पंच नहीं करना, कोई ऐसा बार कोड वगैरह कुछ नहीं लगाना इंडिया की तरह। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और मेट्रो यहाँ पूरा अंडरग्राउंड है, इंडिया की तरह नहीं है कि ऊपर मेट्रो चल रहा है। और ओल्ड स्टाइल मेट्रो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है, इंडिया का मेट्रो बहुत साइलेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिक्योर है चीज़ें।